हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 में बायोलॉजी विषय में बहुत छोटी छोटी टॉपिक्स हैं, बहुत छोटी छोटी हेडिंग्स हैं, परंतु आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ इन हेडिंगों के बगैर आपकी जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में खासकर जो जूलॉजी है, जंतु विज्ञान, वो आपकी अधूरी है। यानी पूरी जीव विज्ञान में इन छोटी छोटी हेडिंग्स का बहुत बड़ा रोल है। और बहुत बार आपने हमारे मुँह से भी सुना होगा, और जब आप अपनी बायोलॉजी का अध्ययन करोगे तब भी आपको बहुत बार ये हेडिंग्स पढ़ने को मिलेंगी। तो इसलिए हमें इनके बारे में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर ये बार बार हेडिंग आती हैं और इनका माइनस सा अंतर है, फिर भी हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। किसी बच्चे ने पूछा था, सर आप इनका एक वीडियो बनाइए, तो उसी की डिमांड पर आज ये छोटी छोटी हेडिंग्स लेकर आए हैं। आपको ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर आप बायोलॉजी में बहुत कुछ नहीं सीख पाओगे। इसलिए आइए देखते हैं, और ये आपकी परीक्षा में भी बहुत छोटे क्वेश्चंस में पूछा जाता है। यानी जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार ये रिपीट होकर के भी आई हैं, यानी पूछी भी गई हैं। इसलिए आपको परीक्षा के लिए भी पढ़ना है। यानी आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, एक नंबर के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, उनमें कई बार इनको पूछा गया है। चलिए देखते हैं, आज का टॉपिक है आनुवंशिकता एवं आनुवंशिकी, यानी इनहेरिटेंस एंड जेनेटिक्स। अब देखिए क्या है कि जो आनुवंशिकी और आनुवंशिकता है, ये सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया एक लाइन में, और इसके जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ये भी हमें आना चाहिए। ठीक है, तो आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग था वो आपका वैज्ञानिक है डब्ल्यू बेटसन। यानी आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आपके वैज्ञानिक थे डब्ल्यू बेटसन ने 1905 यानी 1905 में किया था। यानी वंशागति या आनुवंशिकता के अंतर्गत इन्होंने अध्ययन करते समय आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू बेटसन ने 1905 में किया था। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन एक मास में पूछा जाता है कि आनुवंशिकी का जनक कौन है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यानी आपके जेनेटिक्स के फादर ऑफ जेनेटिक्स बहुत पूछा जाता है, और ये वैज्ञानिक का नाम यानी इन वैज्ञानिक का नाम आप पूरी बायोलॉजी में कई बार पढ़ोगे। और जो पाठ चल रहा है आपका वंशागति और विविधता के सिद्धांत, पूरे पाठ में इन्हीं वैज्ञानिक का रोल है। तो इनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी आनुवंशिकता के जनक या आनुवंशिकी के जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, और जो कि एक ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इन्होंने अब मेंडल के नियम यानी इन्हीं के नाम पर इनके कुछ इन्होंने आनुवंशिकता के नियम दिए हैं, जिन्हें मेंडल के नियम कहते हैं, वो आप पढ़ चुके हो। तो हमें यहाँ पर केवल दो क्वेश्चंस याद रखने हैं, आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डब्ल्यू बेटसन ने 1905 में किया। दूसरा क्वेश्चन है आनुवंशिकता के जनक या आनुवंशिकी के जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो अभी आपको लिखना है ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके बाद अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। आनुवंशिकता या आनुवंशिकी में एक हेडिंग बनती है वंशागति या आनुवंशिक लक्षण, यानी वंशागति या आनुवंशिक लक्षण। आपसे यही तीन हेडिंग्स पूछी जाती हैं, और तीन हेडिंग्स में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, फिर भी हम समझ लेते हैं। देखिए, आनुवंशिक लक्षण यानी जेनेटिक्स कैरेक्टर्स क्या होते हैं, लिखा है बहुत छोटी सी परिभाषा है, जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। यानी जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में
स्थानांतरित होते हैं वंशागत या आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। तो एक लाइन में है, आप आसानी से याद कर लोगे कि किसी भी जीवधारी के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं वंशागत या आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। वंशागत से तात्पर्य है कि वंश के अनुसार लक्षणों का चलना, यानी ये लक्षण जो होते हैं आनुवंशिक लक्षण जो हैं वो एक पीढ़ी से, अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने से तात्पर्य है कि जो हम में लक्षण आए हुए हैं वो लक्षण हमारे पैतृक पीढ़ी या पूर्वज पीढ़ी से आए हुए हैं। जैसे कि हम में हमारे माता पिता के लक्षण और हमारे माता पिता के माता पिता के लक्षण, यानी कि हम में जो लक्षण आए हैं वो हमारे फादर और हमारे फादर के भी फादर, जो आपके बाबा जी दादी जी और साथ में आपकी जो माता जी हैं उनके फादर मदर, यानी कि आपके नाना जी नानी जी, यानी इन आनुवंशिक लक्षणों में ऐसा कुछ निर्धारित नहीं होता है कि केवल एक ही पीढ़ी के लक्षण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इसमें आनुवंशिक लक्षण में कई पीढ़ियों के भी लक्षण आ सकते हैं, यानी जो आपकी पूर्वजों की जो पीढ़ियां रही होंगी उन पूर्वजों के भी लक्षण आप में प्रदर्शित हो सकते हैं। तो आनुवंशिक लक्षण पूर्वजों से प्राप्त होते हैं और पूर्वज उनके पूर्वजों से प्राप्त किए होंगे, यानी कई कई पिछली पीढ़ियां रही होंगी जिनसे वो आनुवंशिक लक्षण हम में आए हुए हैं। तो एक लाइन में हमने परिभाषा लिख ली और एक परिभाषा से हम समझ भी लिए कि जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर स्थानांतरित होते रहते हैं या लगातार आते रहते हैं वंशागत या आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। यानी वंशागत से तात्पर्य है कि वंश के अनुसार गमन करना, यानी वंश के अनुसार चलना, जैसे जैसे वंश बढ़ेगा, जैसे जैसे वंशावली बढ़ेगी, वैसे वैसे आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं। तो आनुवंशिक या वंशागत से यही तात्पर्य है कि हमें हमारे पूर्वजों से लक्षण, हमारे पूर्वजों में उनके पूर्वजों से लक्षण, और हम यानी पूर्वजों से लक्षण आए होंगे और हमारे लक्षण और हमारे पूर्वजों के लक्षण हमारी जो कमिंग इन जनरेशन फ्यूचर भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी होगी उसमें आएंगे। इस प्रकार से वंश के अनुसार लक्षण स्थानांतरित होते रहते हैं वंशागत लक्षण या आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। ये था आपका हेरिडिटी और जेनेटिक्स कैरेक्टर्स। अब हम आते हैं दूसरी हेडिंग्स पर, वंशागत या आनुवंशिकता। देखिए यहाँ पर आनुवंशिक लक्षण था, यहाँ पर आनुवंशिकता, थोड़ा सा अंतर हुआ। जैसे इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, अब हम यहाँ पर स्पेशली आपको आनुवंशिकता समझाएंगे क्या होता है। देखिए आनुवंशिकता क्या है कि आप अभी तक जो लक्षण पढ़ते आ रहे हो, यानी आपको जो आपको आनुवंशिक लक्षण बताए हैं वही आनुवंशिक लक्षण को जो है ले जाने की जो प्रोसेस है, क्रिया है, उसे आनुवंशिकता कहते हैं। तो एक सिस्टमैटिक भाषा में लिखा गया है, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया, यानी आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाने की प्रोसेस है, यानी जो प्रक्रिया है, उसे वंशागत या आनुवंशिकता कहते हैं। अर्थात भाई आनुवंशिक लक्षण इतना तो समझ गए कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं, लेकिन आने का मतलब ये नहीं है कि कोई सामान ढोया जा रहा है तो हम सामान ढोकर ले आए, वो भी एक जो है बायोलॉजिकली सिस्टमैटिक ढंग से आते हैं। और वो सिस्टमैटिक ढंग से जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, और उसी डीएनए के माध्यम से पहुंचते हैं अगली जनरेशन में,
तो उसको यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, यानी किसी भी कार्य को करने की एक विधि होती है, और उस विधि के अनुसार जब कोई कार्य किया जाता है तो वो कार्य बहुत ही सुचारू और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न होता है। तो उसी प्रकार से आनुवंशिक लक्षण भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक व्यवस्थित ढंग से पहुंचते हैं, जिसमें एक प्रक्रिया लागू होती है और वो प्रक्रिया जो है वंशागति या आनुवंशिकता कहलाती है। क्योंकि आप यानी किसी भी कार्य को किसी विधि के बगैर नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसको विधि के अनुसार अगर आप कार्य करते हो तो आपका कार्य अच्छा होगा। तो वही है जो आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की या स्थानांतरित होने की प्रक्रिया। बस ये एक शब्द नया जुड़ा है और हमें यही शब्द ध्यान रखना है। यहाँ पर क्रिया लिख सकते हो या प्रक्रिया लिख सकते हो या विधि भी लिख सकते हो, आप अपनी भाषा में कोई गलत नहीं होगा। बस आपको ये याद रखना है, यहाँ पर एक नया शब्द आया है प्रक्रिया। बस तो आप फिर परिभाषा लिखते हैं, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया या जाने की प्रक्रिया वंशागति या आनुवंशिकता कहलाती है। आई होप आप समझे होंगे। और दो लाइन की परिभाषा है, आप परिभाषा को भी लिख सकते हो और आप आसानी से समझ भी सकते हो कि जो प्रक्रिया है यानी आनुवंशिक लक्षण की जो प्रक्रिया है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने की, वो आनुवंशिकता कहलाती है। इसके बाद अब आते हैं तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स। भाई सब मिलते जुलते शब्द हैं, आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिकता, आनुवंशिकी, फिर भी कुछ थोड़ा बहुत अंतर है और आप समझ लोगे तो आप आसानी से कर पाओगे। तो आनुवंशिकी में क्या है, आनुवंशिकी के अंतर्गत क्या होता है कि ये जीव विज्ञान की, क्योंकि जीव विज्ञान में बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिकों का स्पेशली अध्ययन करने के लिए उनकी कई अलग अलग शाखाओं में बांटा गया है, और जब आप विशेष तौर पर किसी एक शाखा का अध्ययन करोगे तब आप उसमें उसी टॉपिक से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ भी आनुवंशिकी को समझ यानी आनुवंशिकता को समझने के लिए आनुवंशिकता के आकार, प्रकार, स्वभाव, प्रकृति को समझने के लिए एक विशेष जो है शाखा का निर्माण किया गया विज्ञान में, वो शाखा है आपकी आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स। तो इस शाखा के अंतर्गत क्या है कि इसमें वंशागति एवं जीवों में विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी आनुवंशिकी के अंतर्गत वंशागति या आनुवंशिकता और जीवों में विभिन्नताओं या जो जीवों में अंतर है उसका स्पेशली अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। यहाँ पर कुछ सिस्टमेटिक और भी अच्छी तरीके से परिभाषा परिभाषित करके लिखी गई है, वो हम देखते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय एवं पारस्परिक, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजाति एवं पारस्परिक संबंधित जीवों की आनुवंशिक समानताओं एवं विभिन्नताओं का तथा इनकी आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। यानी यहाँ पर आपको कुछ शब्द ध्यान रखने हैं, विभिन्नताओं, समानताओं, इसके बाद आनुवंशिकता, ठीक है। तो आप आसानी से एक लाइन में सरल भाषा में भी लिख सकते हो कि जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें जीवों की समानताओं यानी जीवों की आनुवंशिक समानताओं एवं विभिन्नताओं तथा इनकी आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। अब क्या है, यहाँ पर कुछ नए शब्द आए हैं, उन शब्दों के बारे में समझ लेते हैं। अंतर्गत सजाति एवं पारस्परिक संबंधित, क्योंकि देखा होगा एक ही प्रजाति के एक ही जाति के जीवधारियों में कुछ समानताएं कुछ असमानताएं होती हैं, साथ साथ में एक जीव दूसरे जीव से कुछ ना कुछ सह संबंध स्थापित रखता है। यानी
एक जीवन एक जीवधारी का जीवन दूसरे जीवधारी के जीवन से कनेक्ट होता है, अर्थात आश्रित होता है और साथ साथ में एक दूसरे के जीवन को पूर्ण रूप से चलाने में सहभागी भी होता है। तो वही आपका सजाति एवं पारस्परिक संबंधित, यानी सजाति समान जाति के जीव में और पारस्परिक यानी परस्पर रूप से संबंधित लक्षण तथा आनुवंशिक समानताएं, यानी कुछ चीज़ों में एक ही जाति के जीवधारी समान भी होते हैं और कुछ असमान यानी डिफरेंट विभिन्नताएं भी होती हैं, उन सब का अध्ययन हम आनुवंशिकी में करते हैं। तो आनुवंशिकी या जेनेटिक्स क्या हुआ, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की सजाति पारस्परिक व आनुवंशिक आनुवंशिकता या आनुवंशिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी कहलाती है। तो इसी के साथ आज के कुछ छोटे छोटे टॉपिक थे, वंशागत या आनुवंशिक लक्षण, वंशागत या आनुवंशिकता, और तीसरा था आनुवंशिकी जेनेटिक्स समाप्त हुआ। और आप इसको बहुत ही अच्छे से लिखना और आसानी से समझ जाओगे जब आप लिखोगे, बढ़िया तरीके से आप पढ़िए क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है।